आज की पार्टी जो है मामी और मौसी की तरफ से है और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो मामी रिवील करेंगे। थोड़ी देर पहले हम बताया कि ये जो क्या कहते हैं रूम सा बना रखा है, यहाँ पर अकबर बैठते थे। जो अकबर का हाथी था ना वो फैसला करता था, जो गुनाहगार होते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गेट है ये बुलंद दरवाजा। और सुबह सुबह दोस्तों कुणाल अपने बालों पे पूरा जोर देते हुए विद स्कूटी साथ आते, खराब हो गए बाल। ओहो अब तो पूरा मामला बिगड़ गया, खराब हो गई। अब तो पूरा मामला बिगड़ गया, नहीं आई कर लेंगे घर जाके सही दोबारा। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो दोस्तों आज का जो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो कहाँ से कर रहा हूँ, मामा की पार्किंग से। मतलब मामा की पार्किंग नहीं है और गाड़ियों की पार्किंग है, जहाँ पे मामा अपनी ये धनो खड़ी करके रखते हैं। और पार्किंग से स्टार्ट करने का रीजन क्या है कि हम लोग आए थे गाड़ी से कुछ सामान लेने। पार्किंग से स्टार्ट करने का रीजन ये है क्योंकि हमने घर से स्टार्टिंग करा। ये देखो भैया का दिमाग पता नहीं क्या चलता है दोस्तों। पार्किंग से आज स्टार्ट कर रहे हैं व्लॉग क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं आज घूमने घामने का प्लान बना है। तो मामा की जो गाड़ी पार्क होती है वो घर से थोड़ा दूरी पर होती है, तो मामा ने कि इतने वो तैयार होते हैं तो गाड़ी ले आ, तो मैं गाड़ी लेने आया हूँ। घूमने कहाँ जा रहे हैं हम लोग वो मैं आपको अभी आगे चल के पता चलता रहेगा। बताओ दादी को कहाँ छोड़ के आ गया आप? हाँ भाई, दादी को कल मैं छोड़ आया था, जहाँ के लिए दादी मतलब आई थी, जो रिश्तेदारी में जाना था, तो दादी को कल मैं वहाँ छोड़ के आ गया था। हालांकि मैं भी गया था वहाँ, फंक्शन भी अटेंड किया और कल मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था। इतना जल्दी हुआ सब कुछ कि मैंने व्लॉग ही शूट किया, टाइम ही नहीं मिला थोड़ा। हमने कहा फिर चल स्किप ही करते हैं कल का व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम शूट कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं घूमने, और घूमने कौन कौन जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। फिलहाल तो गाड़ी लेके चलते हैं क्योंकि गाड़ी में थोड़ा सामान भी है ना, देखो आपको दिख रहा होगा इसमें रखा है सामान, ये है और डिक्की में भी थोड़ा सामान है, तो वो सामान भी घर पहुंचाना है। तो कुणाल आप तो स्कूटी लेके चलो और मैं गाड़ी लेके चलता हूँ, ये तू गाड़ी लेके चलेगा? नहीं नहीं मैं स्कूटी ले जाऊं। नहीं गाड़ी ले लो। नहीं नहीं। तो दोस्तों देखो हम लोग तैयार हो गए, आ चुके हैं सबके सब बाहर, ये देखो सबके सब तैयार हो गए खड़े हैं बाहर, और भैया कर रहे हैं गाड़ी की सफाई। सफाई नहीं कर रहा है, मिट्टी में इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि हम बिजनौर ले जा सकें। मिट्टी फरीदाबाद की मिट्टी, इन बिजनौर थोड़ी भी मिट्टी है। अच्छा और देखो ये लोग भी तैयार होकर आ चुके हैं, एक बारी हाई नहीं करोगे? और आज की पार्टी मामी की तरफ से, आज की पार्टी मौसी की तरफ से, बर्थडे मौसी का। ओ अरे हाँ, तो मौसी का बर्थडे भी, मौसी आज फिर पार्टी बनती है। हाँ शी इज अ बर्थडे गर्ल, तो नॉट अ गर्ल बट। और देखो एक गाड़ी ये जा रही है पंच और ये जा रही है टियागो। अब त्यागो ही बस रेडी हो गई है, पंच स्टार्ट भी खड़ी है, मामा ने एकदम स्टार्ट कर रखी है। दोस्तों आज मैं ये चश्मा पहन के गाड़ी चलाऊंगा। बीहू का चश्मा, बेचारी इस बच्चे का चश्मा छीन लिया। इस चश्मे में वहाँ तक की नजर जाती है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। अरे भाई बताओ तो हम कहाँ जा रहे हैं, ये मामी बताएंगे क्योंकि मामी का प्लान था। मामी की पार्टी मामी और मौसी की तरफ से। तो भाई आज की पार्टी जो है मामी और मौसी की तरफ से है और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो मामी रिवील करेंगी। मामी जल्दी कम ऑन, आपके पास है 3 मिनट। हम लोग जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। 7 करोड़, 7 करोड़ रुपए का सवाल मामी ने एकदम आसानी से बता दिया है। वाह तालियां तालियां मामी के लिए। वाह कुछ भी कहो, पीयू के चश्मे में तक कंफर्टेबल लग रहा है, अगर मैं आंख बंद करके सो जाऊं तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। सोना नहीं है, सीकरी पहुंच जाना। तो भाई सीकरी नहीं, फिर ऊपर फतेहपुर सीकरी का प्लान होना था हमारा कल का, जो एग्जीक्यूट हमने आज किया है। तो ऐसे ही होता हमारे साथ, जब हमारे प्लान बहुत बनते हैं तो वो धीरे धीरे करके एग्जीक्यूट करते रहते हैं। अभी भी 3-4 प्लान पेंडिंग है तो वो देखते हैं कब एग्जीक्यूट करेंगे। फिलहाल मामा की गाड़ी आगे चली गई, मामा आजकल बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, हैवी ड्राइवर हो गए भाई। और उस गाड़ी में सिल्फी, मौसी, पूजी, गुन्नू और मामा जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। फिलहाल जल्दी से चलते हैं, और पीयू को मैंने अपने साथ इसलिए बताया क्योंकि सारी खाने की चीज पीयू के पास है, चिप्स वगैरह है ना पीयू। उस गाड़ी में रख दिया। अरे उस सामान तो हमारी गाड़ी में रखना चाहिए था, बर्थडे गर्ल के हाथ में दिया है। अबे यार ये गलत कर दिया भाई, सामान निकाल लिया, चॉकलेट निकाल ली थी। तो ये तो गलत हो गया। बाकी कंचन अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो हम आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो कोई नहीं, आपकी कमी हम लोग पूरी कर लेंगे खाने पीने में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके बदले रिंकू खा लेगा। जब हम पिज्जा खाएंगे तो आपको बहुत मिस करेंगे। और आपको एक चीज और बता देता हूँ मैं दोस्तों, रिंकू ने 4 ड्रेस चेंज करी आते आते और फाइनली कच्चे में आया है। कच्चा डॉन अरे तेज नहीं चलाना बाबू, चलान हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं और मिलते हैं आपसे रास्ते में, जहाँ हम रुकेंगे, जहाँ रुक के थोड़ा सा बातचीत करेंगे सामने वाली गाड़ी वालों से भी, क्योंकि उनके पास कोई कैमरा नहीं है, कोई गैजेट नहीं है जिससे वो शूट कर पाए, और वो सब सरवाने वाले हैं। उनके कैमरा को तो
ऐसे करते हैं तो इसलिए हमने उन्हें कुछ नहीं दिया। भैया देखो यहाँ पे फरीदाबाद कितना चमका दिया, यहाँ पे गोल चक्कर बनाया और इस गोल चक्कर की वजह से जो पहले जाम लगता था उसमें बढ़ोतरी हुई है जाम में। अब इधर जाने वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उधर जाने वाले भी, तो 3-3 घंटे का जाम लगने लगा है। ये देखो दोस्तों कितना अच्छा गोल चक्कर है, ये दिन में तो अच्छा लगता है, रात को लोग कोसते हैं इस गोल चक्कर में कि क्यों ही बना होगा। और ये देखे कितनी बढ़िया बढ़िया रोड है, इन रोडों का भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो चलते हैं जल्दी से और आज प्रथम की जेब ढीली कराएंगे क्योंकि फोन पे में बहुत पैसे हैं। क्यों प्रथम? मम्मी का बर्थडे भी है। हाँ, तो बर्थडे वुमेन को तो हमने अपने साथ नहीं रखा, बट जिसके पास एटीएम की डिटेल है ना रखा है साथ में। बर्थडे मोबाइल रख लिया है, फोन पे करेगा बट। अब अगले अब हम मिलेंगे सीधी कचौड़ी की दुकान में। तो हम लोग बहुत आगे चलने के बाद एक रेस्टोरेंट में रुके हैं जिसका नाम क्या है? मुन्नी जी। हम मुन्नी जी का डांस देखेंगे यहाँ। आ जाओ बाहर। और मामा की गाड़ी पीछे है तो वो लोग अभी पहुँचे नहीं, हम लोग पहले पहुँच गए। और सामने देखो हाईवे और ये है रेस्टोरेंट, लिखा है मुन्नी जी रेस्टोरेंट और गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। तो यहाँ बस और गाड़ियाँ दोनों रुकी हुई हैं, तो हमने इसलिए रोक लिया क्योंकि अच्छे रेस्टोरेंट के लोग बहुत सारे रुक रखे हैं, तो अच्छा ही होगा। हाँ भाई, हो गया फोटोशूट तुम्हारा? और सबसे अलग भाई देखो, रिंकू एकदम जॉगिंग के स्टाइल में आ रखा है, पूरा फंकी लुक। रिंकू भाई इतने बढ़िया लग रहे हैं कि मुन्नी वहाँ पे देखो पीयू झूला भी झूलने लगी, मामी और पीयू। और भाई अभी मामा से बात हुई है तो मामा को मैंने अपनी लोकेशन भेजी है। अभी हम कंफ्यूज हैं कि मामा हमसे आ गए हैं कि हम मामा से आ गए थे, तो अभी देखो बताते हैं मामा फोन करके। अगर पीछे हुए तो यहीं आएंगे और अगर आगे चले गए तो फिर हमें आगे जाना पड़ेगा। अच्छा आगे चले गए, आगे निकले गए। चलो फिर तुम धीरे धीरे चलो, फिर मैं आगे आ रहा हूँ। मामा आगे चले गए क्या? हाँ मामा आगे चले। ठीक है चलो तो हम भी चल रहे हैं। इन्हें बुलाओ भाई, इनका खाना होना कैंसिल करवाओ। चलो जल्दी चलो। चलो भैया मामा आगे चले गए, हमें आगे जाना पड़ेगा, तो बुलाओ झूला झूलने से उतारो झूले। पीयू चलो आओ, मामी आगे चले गए, मामा और आओ जल्दी। हाँ भैया यहाँ बन गया हमारे साथ। हमारे साथ कुछ बना नहीं, हमारे साथ प्रैंक हो गया। अक्टूबर में हमारा अप्रैल फूल बन गया, देख लो। मामा चले गए आगे और हम रह गए पीछे, हम भी जल्दी चलते हैं। चले लोग सोच रहे थे कि मामा हमसे पीछे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा गलत बात हो गई यार। जल्दी बैठ जाओ, आप झूला झूले, आपको मजा आया झूला झूलने में? चलो तो आप और झूलाऊंगा। आगे भी है एक और मुन्नी जी। तो भैया पहुंच गए हम लोग फाइनली घूमते ढांढते इन्हें। ये देखो ये खड़ी मामा की गाड़ी और ये रही हमारी गाड़ी। भाई आखिर में लाइव लोकेशन होगा, ये उसके पास पहुंचे हैं, मिले हैं साथ में। और ये देखो राधा रानी वैष्णो ढाबा, इस पे रुके हैं राधा रानी वैष्णो ढाबा पे। और इन्होंने ऑर्डर दिया है पराठों का, शायद आलू के पराठे खाएंगे सुबह सुबह। तुम्हें ढूंढते ढूंढते हम थक गए पता, फाइनली ये लोग मिल गए हैं। हाँ। और इसी देर से हमने हम लेकिन बहुत धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि सब कुछ ये दिखाने की चीज नहीं। हमने ऑर्डर दिए हैं आलू प्याज के पराठे और मैगी। मैगी थोड़ी देर में आएगा। मैगी किसके लिए मंगा दी? मैगी बच्चों के लिए, तू भी खा सकता है वैसे नहीं। जो खाएगा मैगी। बाकी भूख लग रही है तेज और अभी 10 बजने वाले हैं और हम लोग मथुरा भी नहीं पहुँचे, तो कितने स्लो चल रहे हैं हम लोग आप। और ये देखिए हमारी पूरी जनता देख के सबके सब डर रहे हैं। और वहाँ 2 विकेट तो गिर भी चुके, 1 और 2 दोनों विकेट गिर गए है ना। चाटा क्या लगाऊंगी, नहीं गिरे तुम्हारे विकेट क्या? दो आधे रास्ते में क्या। और यहाँ देखो प्रथम भैया, भाई अपना क्या कर रहे हैं दिखाना, दिखाओ से। ये प्रथम भैया अपनी फोटो लगा रहे हैं स्टोरी पे रील। और चिकू भाई हमारे जो निकर में आए थे, थाइस दिखा दो अपनी एक बारी, दिखा दो थाइस। तो भाई पराठे हमारे आ गए हैं और इधर मैगी भी आ गई। ये देखिए ओ भाई मैगी में मक्खन डाल के आई है। तो जल्दी से स्टार्ट करो, अभी 2 ही आई हैं, अभी और आ रहा है भाई लेके आ रहा है धीरे धीरे। मौसी तुम कहाँ जा रखे यहाँ तूने? अच्छा भाई साहब आ गए पराठे। भाई उदास मत हो, उधेड़ दो सारे पराठे, इधर रख दो भैया। तो गरम गरम पराठे करते हैं इंजॉय और उसके बाद चलेंगे आगरा की तरफ। हाँ आगरा की तरफ नहीं, फतेहपुर सीकरी। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए। अब ये वाली गाड़ी तो पैक हो गई और वो वाली गाड़ी का मेरा वेट कर रहे हैं। चलो जल्दी खोल दिया लॉक और
आगे का जो बचा हुआ सफर है वो पूरा करते हैं, क्योंकि ऐसे धीरे धीरे करके ना हम लेट हो जाएंगे काफी। जैसा प्लान था हमारा कि जल्दी जाके जल्दी आना, वैसा हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। चले सर, और पियो ने मेरे लिए देखो ये लिए क्रीम बेल की कॉफी मिल्क शेक, जो कि मैं अभी पीऊंगा बैठ के, ठीक है? शेयर करें, शेयर करोगे? शेयर, ठीक है। इनको चेंज कर रहा है, पहुंच तो गए, और चेंज इसलिए कर रहा है क्योंकि शॉर्ट पैंट अलाउ नहीं है, और मैंने भी शॉर्ट ही पहन रखी है, तो कोई नहीं मेरा चलेगा। हाँ भाई, गोप्रो निकाल लिया? यस। और दोस्तों मैं कह रहा हूं, हाँ बोलो, क्या अलाउ हो ना हो गोप्रो पता नहीं। हाँ हाँ, लेके चल भाई। तो पूरा देखो, पार्किंग में पहुंच गए हम लोग, और गाड़ियां गाड़ियां खड़ी है। फाइनली हमें यहाँ जाके पार्किंग मिली है सबसे किनारे। तो अब आगे चले? बिल्कुल चले। थके तो नहीं तुम? नहीं, तो पहुंचे हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, पूरे 12:30 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं, 5 मिनट है। तो अब जल्दी से चलते हैं और यहाँ फतेहपुर सीकरी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और बनो, कैसा था सफर आपका? अच्छा रहा? किसी बात की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं हुई। फिर यहाँ पर आते के साथ ही भाई पीहू ने सबसे पहले शॉपिंग कर ली कैब की। बनो, यू वॉन्ट? नहीं भाई, यहाँ से जहाँ पे जो मेन पॉइंट है वहाँ पे जाने के लिए तो ये बैटरी वाली रिक्शा है या बस है। तो अभी ये भर गई है, अब बस का नंबर है। लेकिन गुन्नू मना कर रही है, गुन्नू कह रही है बैटरी वाली में जाऊँगी। बैटरी वाली में जाओगे तो अभी तो बस लगी है भाई, बस भरेगी उसके बाद ये बैटरी वाली लगेंगी। वेट करना पड़ेगा यहाँ पर, हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कि बस नहीं भरती। और आ गई है बैटरी वाली रिक्शा, जल्दी चलो गुन्नू, कम ऑन गुन्नू, पीछे वाली सीट खेल लो जल्दी से। ये बात, और ये गुन्नू ने दूसरा गाड़ी आ रहा है। कौन सी दूसरी आ रही है? अभी आ रही तो वो आ गई। अच्छा, वो आ गए भाई पीछे से, तो दूसरी वाली में बैठेंगे। इस वाली में कैंसिल हो गई, इस वाली में दूसरे लोग चले गए। गुन्नू इसमें जाना था। और पीहू यहाँ पे देखो क्या बन रखी है, मिस प्रिंसेस। आइए भाई, आगे आइए। सबसे पहले पीछे की सीट गुन्नू ने, पीहू ने, और चल मैं बैठता हूँ उधर। पीछे हूँ, पीछे बैठ गए। ये लोग आगे बैठ गए, एक बार हाय कर दो सबके साथ। गुन्नू मजा आ रहा है इसमें बैठना था? हाय भाई, डर लगता है भाई। चिरोड़ भाग रही है भाई, देखे दोस्तों ये है रोड है, गाड़ी भी जा रही है इधर और बस भी आगे पीछे है। देखो पहुंच गए हम लोग जहाँ पर हमारा मेन पॉइंट था, और इस वाली गाड़ी में आए थे हम लोग। कुन्नू कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस इस वाली गाड़ी का? भाई बहुत तेज चल रही थी, भाग रही थी, नहीं भाग रही थी। और देखो मौसी, शिल्पी और पूजी और पहले से आ रखे थे। वाह, तुम लोग कितनी देर पहले आए हो? 10 मिनट पहले। तुम भी ऐसी गाड़ी में आए हो कि बस में हो? ये रिक्शा क्यों? मम्मी आगे वाली सीट पे बैठ के, हम सबसे पीछे वाली सीट पे। अच्छा, हम भी पीछे वाली सीट पे बैठ के आए। चलो फिर अंदर चले। और ये देखो दोस्तों पूरा किला, ये इधर भी किला है और इधर भी किला है, हमारा देश का तिरंगा। अंदर चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ है इसमें देखने लायक, क्योंकि मुझे भी, मैं भी पहली बार आ रहा हूँ तो मुझे भी इतना नहीं पता, तो अंदर चल के पता चलेगा। किला तो वैसे बढ़िया सा लग रहा है भाई, ग्रीनरी चारों तरफ, इधर भी और इधर भी। पास वगैरह पूरी टीम हम लोग मिल गए एक साथ, सबकी सब टीम एक साथ आ गई अब तो। थोड़ी देर पहले हमें बताया कि ये जो क्या कहते हैं रूम सा बना रखा है, यहाँ पर अकबर बैठते थे। अब आगे का पता नहीं, आगे का पता किसी को? उसके साथ में नवरत्न भी बैठते थे उसके उधर। अच्छा भाई, उसके साथ में नवरत्न भी बैठते थे। तेल नहीं, यहाँ टिकट वगैरह चेक हो रही है अंदर जाने के लिए, तो यहाँ पर टिकट दिखा के तब अंदर जाएंगे। टिकट की क्या कीमत है, कितने रुपए की पर टिकट? 50 रुपए की पर टिकट। टोटल 50 रुपए की पर टिकट, एक पर्सन की 50 रुपए। जो फॉरनर्स थे उनकी 600। अच्छा भाई, ये देखिए दोस्तों ये पूरा किला है, इसके अंदर एंट्री करी हमने यहाँ से अपने टिकट दिखा के, और ये पूरा किला है भाई। और मामी पता नहीं कुछ बोल रही है, जब मेरे को सुनाई नहीं आ रहा। मामी बोल रही फैमिली पिक ले लो। फैमिली पिक लेने के लिए
मतलब एक पिक ले लो सारी फैमिली, उसके बाद सब अपना अपना फोटो शूट करते रहना। अच्छा सही है। एक चीज और पता चली है कि इसमें गुन्नू और पीयू है उनका टिकट नहीं लगा, क्योंकि जो टिकट है वो 15 साल से अबव लोगों का है, 15 साल से जो बिलो हैं कम है एज के हैं उनका टिकट नहीं लगेगा। तो गुन्नू ब्रू फ्री में आ रहे हैं, फ्री में आए हैं, बाकी सबका टिकट है। वहाँ से चल के आए ना तो वहाँ से देखो इधर पूरा, इधर भी फैला था, बहुत बड़ा किला है भाई। इधर देखिए ये पूरा ये, और यहाँ गए अभी सब लोग, तो अंदर जाके पता चलेगा कि क्या है। इसकी विशेषता तो मुझे भी नहीं पता, पर लिख रखा है यहाँ दीवाने खास में लिख रखा है विद हिंदी और उधर इंग्लिश में लिख रखा है। बाकी सब लोग अंदर जा रखे हैं भाई, और यहाँ फोटो शूट भी चल रहा है। ओ भाई क्या मस्त है, बढ़िया। देखो भाई ये नहाने का स्विमिंग पूल है भाई, कुंड में हिंदू उसमें कहते हैं। ये भैया यहाँ नहाती थी रानियाँ नीचे, पर इसका जाने का गेट कहाँ है? गेट वगैरह है यहाँ जाने का? अच्छा उधर कहीं से है। और देखो पानी है अभी उसमें, वहाँ पे क्या मिला है? मीनार है जिसमें हाथी का ना एक प्रिंट है, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो अकबर का हाथी था ना वो फैसला करता था, जो गुनाहगार होते थे उनको सूंघ के पहचानता था, उनको अपने पैरों के तले दबा देता था और वही मार देता था, और जो गुनाहगार मतलब बेकसूर होते थे उनको छोड़ देता था, और लास्ट में वो वहीं जाके मरा। तो इसलिए वहीं जाके मरते मरते वहीं बैठ गया, इसलिए उसका वो जो ना एक मीनार सा बना हुआ उसके नाम से, वैसे और हाथी का नाम था हिरण, इसलिए उस मीनार का नाम है हिरण मीनार। हिरण मीनार देखते हैं क्या खूनी हाथी। हाँ, खूनी हाथी, खूनी हाथी बोलते हैं उसे। उसका दांत भी है। कहाँ पर है भाई? ये जो सामने भी दिख रहा है ना वो कह रहा है व्हाइट व्हाइट सा, ये जो दिख रहा है उसके हाथी का दांत है। कहाँ पे? वही जो मीनार है ना उसमें दिखा रहा था। अच्छा वो मीनार। हाँ ये जो मीनार सा नहीं भाई, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, दिखेगी नहीं वो, उसके ऊपर हाथी का प्रिंट है पर आपको दिख नहीं रहा, बहुत ही ज्यादा दूर है, तो हाथी का प्रिंट है, तो वहीं कह रहे हैं वहीं पे था वो हाथी, वहाँ पर फैसला करता था। ये तीन कमरों वाला जो भवन है, जो गलती से अब आंख मिचोली कहा जाता है, वास्तव में सोने चांदी के सिक्कों का राजकीय कोष था, जिसकी विशेषता दीवालों से निकली पत्थर की तिरछी धारियों जो सर्पाकार सूंड वाले जीवों के जबड़ों से निकालते हुए बनाए गए हैं। इसके मूल प्रेरणा स्रोत पश्चिमी भारत के जैन मंदिर से हैं। तो भाई इसकी ये तीन कमरों वाला, एक वाला जो है एक कमरा ये है, दो और एक है तीन। तो भाई इसे खजाना महल कहते हैं। कहाँ है भाई खजाना, कहाँ रखते थे? कहाँ? अच्छा भाई ये एक टाइप की गुल्लक बना रखी इन्होंने यहाँ पे, तो यहाँ पर डालते थे और इसे बंद कर देते थे ऐसे करके, दिखा जरा। अब तो खाली है, इसमें कुछ नहीं है, अब तो तू ही डाल दे यहाँ पे। हाँ दोनों कहा जाता है, तो हर अलमारी में बना है, इसमें भी विंडो में, और देखो यहाँ भी बना रखा है, हर जगह यहाँ भी बना रखा है। अब खुलेगा नहीं, ये भी है जो कि बंद हो गया परमानेंट। अब कैसे? अब मुझे क्या पता कैसे। और भाई पूरा लेना कितनी ऊँची दीवार है, और जो यहाँ पे क्या कहते हैं कलाकारी की गई ना, बड़ी ज़बरदस्त की गई है। तो भाई वहाँ से घूमने के बाद देखो पूरा किला ही है, और हम लोग यहाँ आ गए हैं। पीहू मुझे यहाँ पर पकड़ेगी इस जगह पे, ठीक है भाई? पकड़ लेगी यह है पंच महल, तो पांच मंजिलें, एक दो तीन चार और एक पांच, क्योंकि सबसे ग्राउंड फ्लोर नीचे है, तो यह फर्स्ट फ्लोर पे है, मतलब तो पांच मंजिल है। तो इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर शाहजहाँ जो है, मतलब जो अकबर है, वो ऊपर वाली मंजिल में बैठ के ताज़ी हवा लिया करते थे, जो कि यहाँ पर लिखी भी गई है। ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये पांच मंजिल का ये भवन पंचमहल के नाम से व्याख्यात है। इसकी हर मंजिल अपनी निचली मंजिल से छोटी और सबसे ऊपरी मंजिल चार स्तंभ पर आधारित है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकरण है। महल की पहली से पांचवीं मंजिलों के क्रमशः 84, 86, 56, 20, 12 तथा चार स्तंभ हैं। यही महल मनोरंजन का स्थान है। भाई वहाँ से आए हम लोग, अब ये पता नहीं कौन सी जगह है, तो पता है किसी को? कैमरा तो इतना बड़ा लगा रखा है, पता नहीं क्या ही महंगा होगा इसके अंदर। कहाँ लगा है कैमरा? देखो ना यहाँ का। अच्छा कैमरा लगा रखा भाई वहाँ, तो कहाँ लिखा है? अच्छा शीशु, वहाँ लिखा होगा, वहाँ पढ़ते हैं जाके। ये आकर्षक महल अकबर का मुख्य हरम था, जो गलती से जोधाबाई का महल माना जाता है। इसे जोधाबाई का महल कहते हैं, जहाँ पर हिंदू देवता की पूजा की जाती थी। ये देखिए अंदर आ गया मैं, इधर
ये पूरा 14 भाई का महल है पीछे, और यहाँ पर बुक्स वगैरह भी है। कैसी कलाकारी कर रखी है पूरी दीवार। मैं अपना नाम लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो SUOORAJ और ये है कंचन, ये लो, दोनों का नाम लिख दिया है। अगली बार जब आएंगे तो यहीं पे देखेंगे अपना नाम, ठीक है? दिखा रहा है नाम, पहले दिखा रहा है नाम, इनविजिबल है तुझे नहीं, ये सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, ये कंचन ही देख पाएगा। तुम्हें वीडियो में दिख रहा होगा तो बता देना, ठीक है? कमेंट जरूर करना। सो एट लास्ट हम आ गए यहाँ पर, जहाँ पर क्या कहते हैं किले की बाउंड्रीज है, यहाँ पे एंड होता है किला। तो यहाँ पे पूरा देखो शहर दिख रहा है यहाँ से, तो यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ इस पर खड़ा होके, ये देखिए दोस्तों ये पूरा शहर दिख रहा है। वो वहाँ पे नहाने का था जहाँ मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे रानियाँ नहाती थी, और ये पूरा जंगल ही है भाई, और वहाँ पूरा शहर है। देखो सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। क्या स्विमिंग पूल नहीं है भाई वहाँ पर? ना कुंड टाइप का है। कैसा लगा तुम्हें किला अभी तक? किला अच्छा लगा, पर मैं सोच रही हूँ कि जोधा उसके टाइम पे मैं क्यों नहीं थी उसकी मतलब फ्रेंड बनके, तो यहाँ पे उनके साथ खूब मस्ती करते हैं। जोधा का महल अच्छा था ना? हाँ। जोधा महारानी जो जोधा थी, हाँ। एकमात्र हिंदू रानी अकबर की। तो भाई अब हम आ गए हैं बुलंद दरवाजे की तरफ। तो ये बुलंद दरवाजा है भाई, यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा लग रही है। मुझे पूरे किले में सबसे ज्यादा भीड़ यही मिली। कितने रुपए जोड़ी है इसमें रखने का? 10 रुपए जोड़ी। 10 रुपए जोड़ी, 10 रुपए जोड़ी जूते रखने का। लाओ एक बैग हमें दो। तो भाई इसमें रखेंगे कहाँ जूते? ले रख, वही मैं देख रहा था, मैं थैला था। जल्दी रख, ये है मेरे सामने जो गेट है ना, जिस गेट से आप लोग अंदर आए हैं, हाँ वो वाला गेट, इसका नाम है बादशाही दरवाजा। बादशाही दरवाजा अकबर यहाँ से आकर फ्राइडे को, वो सामने है ना जमा मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह, कहाँ पे वो सामने गेट जो है, गेट जो है पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे। अच्छा, और ये चिश्ती बाबा की दरगाह है। कौन सी? ये व्हाइट वाली जो है, ये अकबर के गुरु जी जिनके आशीर्वाद से महारानी जोधा को एक बेटा हुआ। बाबा जी ने उसका नाम रखा पहला सलीम, बाद में जहांगीर। अच्छा, इसी दरबार में लोग जाते हैं, जो भी मन्नत करते हैं यहाँ धागा बांधते हैं। अच्छा, पहले देखेंगे बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा देखते हैं, ये है बुलंद दरवाजा, और सच में बुलंद है भाई। तो आगे चले, चलो भाई आगे चलते हैं। ओ भाई कितनी अच्छी हवा लग रही है, इतनी अच्छी हवा लग रही है भाई, सामने से एकदम बढ़िया सी हवा आ रही है। ये रूम मैंने रूम, हाँ बच्चों के लिए स्कूल, ये वाले पढ़ने के लिए, अभी की पहले थे अकबर टाइम में, अकबर टाइम पे। अच्छा, ये जो रूम है तो ये देखेंगे नहीं क्या रूम? अभी चलेंगे सर। अच्छा अच्छा ठीक है। दरवाजे का व्यू है वो यहाँ से है, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, तो उस तरह से एंट्री थी, और यहाँ से बुलंद दरवाजे का व्यू है। कहाँ पे? ये है भाई देखो व्यू बुलंद दरवाजे का, भाई साहब ये देखिए पूरा बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा ये है। अच्छा, 176 फीट की ऊंचाई है। कितनी है? 176। और ये है सामने वाला गांव फतेहपुर, यहाँ से 34। सामने वाली जो गांव है फतेहपुर, पूरा गांव फतेहपुर जो गांव दिख रहा है, नीचे जाकर पूरा गेट फोड़ लो। अच्छा हाँ जी। ओ भाई ये है, ये सामने का गांव है पूरा फतेहपुर है भाई, देखो पूरा गांव बसा रखा है। देख ले बुलंद दरवाजा है ना, बुलंद सच में कितना बड़ा है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गेट है ये बुलंद दरवाजा। अच्छा, जामा मस्जिद। तो अब जा रहे हैं भाई जामा मस्जिद बुलंद दरवाजा देखने के बाद। मामी कैसा लगा आपको बुलंद दरवाजा? अच्छा है, सही है देखने के लिए। है नहीं कलाकारी? कलाकारी तो है भाई, तभी तो लोग आ रहे देखने के। और हमारे साथ के प्रथम शिल्पी कुणाल और रिंकू, ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ गुम हो जा रहे हैं, बार बार ढूंढने में इतना टाइम चला जा रहा ना। ये है जामा मस्जिद, हाँ हाइट 80 फीट की है। कितने फीट की है? 80 फीट। 80 फीट हाइट है भाई इसकी। पांच वक्त की यहाँ नमाज लोग पढ़ते हैं। अच्छा, और अभी जो है जैसे अभी नमाज का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ, और अभी दिखाएंगे आपको चिश्ती बाबा की दरगाह। नमाज से पढ़ना होता है तो अंदर कुछ है देखने के लिए? बस हर जगह बेस बना हुआ है कि यह नमाज पढ़ने की जगह है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो लिखा हुआ है वहाँ। अच्छा, अब कहाँ चलना है? दरबार में। दरबार में चलो फिर। तो भाई ये जामा मस्जिद थी जिसकी 80 फीट हाइट है, जो कि अभी हमारे गाइड साहब ने बताया है, और अब जा रहे हैं दरगाह में। ये क्या चीज़ है? पानी का, हाथ धोने का। अच्छा, हाँ आप लोग हाथ धो सकते हैं वहाँ ना जाने के लिए। अच्छा, तो भाई ये है अंदर दरगाह, और ये है बाबा।
पहुंच गए दरगाह देखे, तो अंदर से होके आ गया मैं एक बार, तो अंदर फोटो लेना अलाउ नहीं है इसलिए बाहर से ले रहा हूँ। अभी ये गाइड थे हमारे, क्या नाम था? रईसुद्दीन। रईसुद्दीन, तो अच्छे से घुमाया आपने, धन्यवाद जी। हैं थैंक यू। गुल खिलाएंगे क्या? गुल खिलाएंगे, हाँ गुलशन भी खिलाएंगे, हाँ रही जिंदगी फिर मिलेंगे, हाँ जरूर मिलेंगे। धूप की घड़ी, सूरज घड़ी, तो कैसे कैसे बता दें एक बार, बताना जरा दोबारा। नंबर जो है 12 का है, ये 12 का है, नीचे 6, हाँ उधर 6, हाँ 9, हाँ अच्छा। सूरज रूम करेगा ना, घूमेगा सूरज, शेडो घूमेगी, टाइम देगा। अच्छा तो कैसे शेडो घूमेगी? यहाँ लकड़ी लगा देना बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 फीट की लकड़ी, तो उससे टाइम पता चलता रहेगा, मालूम पड़ता है। तो भाई ये धूप की घड़ी थी। तो भाई यहाँ के यही पॉइंट थे, एक तो बुलंद दरवाजा था और जामा मस्जिद थी और दरगाह, तो तीनों चीज देख ली। और अब जा रहे हैं हम लोग गाड़ी की तरफ, पहले देखते हैं कुछ खाएंगे पियेंगे, भूख सी लग रही है, और फिर उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। फाइनली आ गए हम लोग अपनी गाड़ी के पास। घूमना घुमाना था, जो देखना दिखाना था फतेहपुर सीकरी में किले का, वो तो कर दिया भाई, और मजा आ गया। 2-2.5 घंटे घूमे बढ़िया से, सब चीज़ देखी। पूरे किले के बारे में तो मुझे भी नहीं पता चला, और तो मैंने आपको भी नहीं बताया। बाकी अब चलते हैं वापस बैक टू होम। तो 2:30 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे, ऑलमोस्ट 2:30 बज ही गए, तो देखो 6:30 बजे तक, अरे 9 बज गए, 6:30 बजे तक पहुँचेंगे, क्योंकि आने में भी 4 घंटे लगे थे, सब लोग मेरा बाहर वेट कर रहे हैं। भी इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि कैसा रहा। बैठते बैठते बताओ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। बढ़िया। कैसा लगा तुम्हें किला? अच्छा था, मजा आ गया। बढ़िया, मजा आया। आवे प्रथम मजा तो आया, मगर हड्डियां तोड़ दी। हड्डियां तोड़ दी? किसे मारा तुझे? चलते चलते हड्डी। अच्छा, ये थक गई है। तो भैया सबका एक्सपीरियंस अच्छा था, और अब हम जा रहे हैं घर। रास्ते में देखेंगे कहीं रुकेंगे अच्छी सी जगह पे, कुछ खाएंगे, क्योंकि मामी मैकडॉनल्ड्स में रुकेंगे हम लोग, और वहाँ पे KFC का पिज्जा खा लेंगे। KFC में जा रहे हैं, KFC में रुकेंगे अभी ये लोग। और प्रथम को खाना है दाल चावल, तो प्रथम हमारा देसी आदमी, मजा मान देगा। हाँ, तो सबके अपने अपने यहाँ पे क्या कहते हैं चॉइस है, और अपना अपना ओपिनियन है कि कौन क्या खाएगा। अभी तक का अनुमान है कि 6:30 बजे तक पहुँचेंगे, तो चलो फिर चलते हैं। कपूर नहीं होता, तरी होता बहुत ही है। अगरबत्ती